प्रदेश के अपने युवाओं को, जिन युवाओं के कारण यह देश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जिनको हम लोगों ने अब तक रोजगार और नौकरी दी है, जिनके स्वावलंबन के लिए और जिनके लिए हमने देश और दुनिया का परसेप्शन अच्छा किया है, वो जाएगा, यूपी का नौजवान कहीं जाएगा, अब कहीं मुंह छुपाने की नौबत नहीं आएगी, जाएगा गर्व से कहेगा उत्तर प्रदेश से। प्रदेश के अपने युवाओं को, जिन युवाओं के कारण यह देश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, जिनको हम लोगों ने अब तक रोजगार और नौकरी दी है, जिनके स्वावलंबन के लिए और जिनके लिए हमने देश और दुनिया का परसेप्शन अच्छा किया है, वो जाएगा, यूपी का नौजवान कहीं जाएगा, अब कहीं मुंह छुपाने की नौबत नहीं आएगी, जाएगा गर्व से कहेगा उत्तर प्रदेश से। ये बात कह सकता है उत्तर प्रदेश का नौजवान। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। गंगा मैया की कृपा उत्तर प्रदेश पे बरसती है, महाराज भगीरथ गंगा को लेकर इसी उत्तर प्रदेश में आए थे, भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश में, तमाम शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में, देश की स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश, आध्यात्मिक पर्यटन का हो या फिर उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म का, हेरिटेज टूरिज्म का, या फिर इस देश के अंदर देश की स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा देने वाला कार्य उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका है। आज पर्यटन में उत्तर प्रदेश, हम लोग जब 2017 में आए थे चौथे पांचवें स्थान पर था, आज नंबर एक पर है, सबसे अधिक टूरिस्ट कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वह भूमि है। लेकिन सिनेरियो बदला है, अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। ये परिस्थितियां बदली हैं, अब हम देख रहे थे हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी, और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। प्रदेश के अंदर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लागू हुआ था, 2014 से लेकर के मार्च 2017 तक प्रदेश के अंदर कुल 27,68,000 शौचालय बन पाए थे, और महोदय मार्च 2017 से लेकर के अगस्त 2 अक्टूबर 2019 तक हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 शौचालय बनाए, गरीबों के ही बनाए हैं। वो कोई गरीब था, गांव का कोई गरीब था, हां हमने किसी की जाति नहीं देखी, हमने किसी का क्षेत्र और किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ होने के बाद से लेकर मार्च 2017 तक मात्र 10,000 लोगों के आवास स्वीकृत हो पाए थे, मात्र 10,000 आवास। और महोदय, आज मैं सदन से अवगत करा रहा हूं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारी सरकार अब तक 40,00,000 लोगों को एक एक आवास दे चुकी है।
विद्युत कनेक्शन 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,64,00,000 लोगों को विद्युत कनेक्शन मिले थे और पिछले साढ़े चार वर्ष का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। आज हमारी सरकार को 4 वर्ष 5 महीने का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ है। 19 अगस्त है आज।